पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिसमें वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कई जगह हंगामा और मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं। आप ये देखिए कि जंगीपुर सीट में बीजेपी उम्मीदवार धनंजय घोष के साथ मारपीट के अलावा मुर्शिदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर भी टीएमसी नेताओं ने हंगामा किया। वहां पर टीएमसी नेताओं ने सीपीएम उम्मीदवार के सामने गो बैक के नारे लगाए, तो वहीं मुर्शिदाबाद के एक और पोलिंग बूथ पर सीपीएम उम्मीदवार ने एक नकली एजेंट को पकड़ने का भी दावा किया, जिस पर हंगामा हो रहा है। तो ये देखिए झड़प की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। अब चूंकि जंगीपुर में हंगामा हुआ, सीपीएम टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और नकली एजेंट रहने की बात सामने आ रही है और नकली एजेंट पकड़ने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तमाम इस तरीके की जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अलग ही उबाल हमेशा से देखा जा रहा है। और ये देखिए दो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए हैं और इस भिड़ंत की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रानीनगर में भी हंगामा हुआ, दरअसल जगह जगह पर हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है वो वाकई में हैरान करने वाली है। पुलिस बल तैनात किया गया है, सुरक्षा बल तैनात किया गया है, बावजूद इसके नारेबाजी, झड़प, वाहन रोकना, मारपीट, तमाम ऐसी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और साथ ही धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आभार जताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस को आज आईना दिखाया, देश में 400 पार और प्रदेश में 29 सीट के साथ मोदी सरकार बनने जा रही है। तो देखिए आज धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किए और इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आभार जताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस को आज आईना दिखाया, देश में 400 पार और प्रदेश में 29 सीट के साथ ही मोदी सरकार बनने जा रही है। भाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री राजा भोज की धरती मध्य प्रदेश के राज्य के अंदर आज तीसरे चरण का चुनाव का वोटिंग चल रहा है और ऐसे में माननीय मोदी जी ने अपना स्वयं का वोट डाल करके सीधे मध्य प्रदेश की तरफ आए, मैं उनका स्वागत भी करता हूं। और जिस ढंग से उनकी खरगोन की और धार की सभा हुई, मैं हृदय से आभार मानता और उम्मीद करता हूँ कि उनका आज का मार्गदर्शन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को मजबूत करने में बहुत सार्थक भूमिका अदा करेगा। कांग्रेस को उनने कांच दिखाया, आईना दिखाया, कांग्रेस के सारे षड्यंत्रों को पूरा देश समझ चुका है। यही कारण है कि 2014-2019 में प्रचंड बहुमत से जो मोदी जी ने कहा था, 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार, 2019 में 300 पार और अब की बार 400 पार, तो जो कह रहे हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो सब तरफ के समाचार आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की 29 की 29 और देश की 400 पार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे? तीसरे चरण का चुनाव में आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हर मतदाता अपना मताधिकार का उपयोग जरूर करे। लोकतंत्र का गौरव है और हम सबकी सुचिता जागृति का परिचायक है, लेकिन वोट का उपयोग सदुपयोग में बदले, भाजपा के साथ चले। बदलते दौर में भारत को सशक्त बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माननीय मोदी जी के माध्यम से गौरवान्वित है, तो हम उस क्षण को महसूस करें जो हमारे अंतर्मन में है। और 21 शताब्दी भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इस तरह से माननीय मोदी जी का जो लीडरशिप चल रही है, विश्व की सर्वाधिक लोकप्रियता में वो अपने पहले पायदान पर पहुंचे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का हर मतदाता इस बात को महसूस करता है और वो उनके साथ खड़ा है। तो जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश में आने के बाद कार्यकर्ताओं हमने एक जोश भर के चले गए। वीडियो जर्नलिस्ट डल साथ मिथिलेश गुप्ता, News18। और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के मालदा से बंगाल खबर आ रही है बमबाजी की, जहां बूथ के पास बमबाजी हुई है। मुंह पर गमछा बांधे एक शख्स ने वहां पर बॉम्ब फेंके हैं। दरअसल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये बॉम्ब किसने फेंके हैं, और बॉम्ब फेंके जा रहे हैं पोलिंग बूथ के आसपास, जो कि गंभीर विषय है। ये देखिए
बंगाल के मालदा से सामने आया। बंगाल का चुनाव बिना हिंसा के कभी पूरा हो नहीं सकता, इस तस्वीर ने इस बात की फिर तस्दीक कर दी। बंगाल में जब भी चुनाव हो राजनीतिक घटनाक्रम में ये बम धमाके गोलीबारी लड़ाई झगड़ा खून खराबा यहाँ की नियति बन चुका है और बंगाल की राजनीति का ये असर है, ये प्रभाव है। बंगाल जो कि बुद्धिजीवियों का प्रदेश कहा जाता है लेकिन यहाँ के बुद्धिजीवियों की ये कहानी है, बिना हिंसा के वो चुनाव पूरा होने नहीं देते। बंगाल में मालदा में बॉम्बबाजी हुई है, बॉम्ब फेंके गए हैं और बॉम्ब फेंके जाने का ये मामला पोलिंग बूथ के पास ही बॉम्ब फेंके गए हैं और ये देखिए और ये बम धुआं धुआं करने के लिए आवाज़ धमाका करने के लिए और फिर डरा कर वो गमछा बांधा हुआ शख्स आगे बढ़ता है और एक बार फिर से जो वीडियो बना रहे शख्स है उसको धमकाने की कोशिश करता है और ये देखिए एक ये बम फेंका गया है और इस बम के धमाके से जो आसपास के पोलिंग बूथ के आसपास जो लोग खड़े हैं उनमें एक दहशत आ जाती है, वो पोलिंग बूथ छोड़कर भागने लगते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। चुनाव के दौरान बंगाल में ये हिंसा की खबरें लगातार चिंता का कारण तो बनी ही हुई हैं लेकिन इस बात की तस्दीक भी हो गई है कि बंगाल में चुनाव निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए रहता है। कितनी ही सुरक्षा बल की वहाँ पर कंपनीज लगा ली जाएं लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ के लोगों में हिंसा और हिंसक प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई देती है और अपेक्षाकृत कम चुनौतीपूर्ण यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराना देखा गया। चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव बेहतरीन तरीके से कराए और अच्छे खासे मत प्रतिशत वहां से हासिल किए, 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन बंगाल जैसे बुद्धिजीवियों के प्रदेश में बम फेंके जा रहे हैं, चाकू चलते हैं, लात घूसे चलते हैं, नेताओं को मारा पीटा जाता है, चप्पलें चलाई जाती हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, गाड़ी के आगे चढ़ जाते हैं लोग, गाड़ी के आगे लेट जाते हैं, गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, कांच तोड़ने की कोशिश की जाती है। सुबह से इस तरह की घटनाएं सामने आई और ये सिर्फ आज की हम बात कर रहे हैं जबकि बीते कुछ जो चरणों में चुनाव हुए और आगे आने वाले चरणों में जो चुनाव होंगे क्या इस तरह की तस्वीरें इस बात की तस्दीक नहीं करती हैं कि आगे आने वाले जो चरण के चुनाव है उसमें और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर बंगाल का ये चुनाव हिंसक चुनाव बन चुका है। हर चुनाव में हम देखते हैं, चाहे वो निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ऐसी घटनाएँ होती ही हैं। हालांकि बम फेंके जाने का ये जो पूरा मामला मालदा से सामने आया ये चिंता का कारण है और परेशानी का सबब है उन सभी लोगों के लिए जो वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा किए गए प्रयासों पर पलीता और न सिर्फ पलीता लगा रहे हैं बल्कि यहाँ तो धमाका भी हो रहा है और उस पलीते में आग भी लगा दी गई है। ये देखिए गमछा बांधकर वो शख्स चेहरे पर कपड़ा बांधकर पहले सड़क के ऊपर बम फोड़ता है और उसके बाद फिर भागता हुआ वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ दौड़ता है और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये मालदा से सामने आई। लोकसभा के तीसरे चरण का ये चुनाव इस वक्त चल रहा है और इस चुनाव में बंगाल की स्थिति ये है। इससे पहले हमारी सहयोगी रीनू ने जो खबरें दिखाई, जो तस्वीरें दिखाई, वहां पर हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीरें आपने देखी और अब ये एक और तस्वीर मालदा से। साथ ही एक चिंता का विषय ये भी आशीष की इतनी गहन चेकिंग होती है, वाहन चेकिंग के दौरान लोगों के घरों के आसपास चेकिंग होती है, बावजूद इसके बॉम्ब लेकर एक युवक पहुंच जाता है पोलिंग बूथ के पास और बमबाजी भी करता है, ये वाकई में बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और एक बार सीधे हम रुक करेंगे अपने खास पैनल की तरफ।